नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो एशिया कप का T20 मैच खेले जाने वाला है, इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों कमेंट सेक्शन में दी है, आप जाएंगे और फर्स्ट कमेंट ओपन करोगे तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करके सिलाइफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ 50,000 रुपये का आपके लिए बहुत बड़ा गिव अवे रखा है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को बता दूँ कि अगर आप मेगा लीग प्ले करते हो तो मेगा लीग का वीडियो जो है वो 11 बजे आएगा, उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट होगा। मेगा लीग के वीडियो में हम 6 टीम्स बनाने वाले, 6 टीम्स आपको मिलेगी हमारी विनिंग 11 टेलीग्राम चैनल में। तो लिंक जो है कॉमेंट सेक्शन में दी है, फर्स्ट कॉमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस मैच में इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैच जो होगा ठीक ठाक होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट 2-3 मेंबर्स में रहने वाला है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है मीडियम, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, कुशल मेंडिस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक इन दोनों में से कोई एक प्लेयर इस मैच में प्ले करेगा। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो बैटिंग सेक्शन में यह मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है। हालांकि इंडिया की तरफ से हमें 7 प्लेयर लेना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो कौन से 7 प्लेयर हो गए ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों का सिलेक्शन आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हाया है। रोहित शर्मा के बारे में बता दूं दोस्तों, अगर चलेंगे तो 50+, नहीं चलेंगे तो 10 रन के अंदर आउट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव या फिर लोकेश राहुल, इन दोनों में से किसी एक को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये टॉस पर डिपेंड करेगा कि अगर टॉस इंडिया जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारी टीम में 1, 2, 3 और 4 नंबर के बैट्समैन होनी चाहिए। ये बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की टीम बॉलिंग करेगी तो हमें इंडिया की तरफ से सिर्फ 3 बैट्समैन को लेना चाहिए और हमें 4 बॉलर को लेना चाहिए, उसमें ऑलराउंडर प्लस होने वाले जो कि हार्दिक पांडे हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक तो आपको सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर लोकेश राहुल को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को ट्राई करना चाहते हो तो किस तरह से ट्राई करेंगे ये भी हम बताने वाले। देखिए, भानुका राजपक्षा को हमें ड्रॉप करना है, उसके जगह पर हम पी निशंका को पिक करने वाले। भानुका राजपक्षा का सिलेक्शन 57% है, लेकिन इनको ड्रॉप करने का पीछे का रीजन मैं आपको बताने वाले हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो गुणतलिका और अस्सी असलन का ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करेंगे, डब्ल्यू असलन का, हार्दिक पांडे और सी करुणा रत्ने, ये मेरे हिसाब से तीनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। हालांकि सी करुणा रत्ने को ड्रॉप करके किसी एक बॉलर को आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। दीपक हुडा की बात करेंगे, अगर इनको बॉलिंग मिलेगी तो अच्छा होगा, बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, अदरवाइज बैटिंग भी नहीं मिलेंगी तो हमारा एक प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, तो इनको हम ट्राई नहीं करेंगे। शना का मिडल ऑर्डर में आके अच्छे हिट लगा सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और यहाँ पे देखा जाए रवि बिश्नोई, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। और श्रीलंका की तरफ से आप थिक्षणा को ट्राई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे असिता फर्नांडो, जिनका सिलेक्शन काफ़ी डाउन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है विकेट निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो हमें इस मैच में तकरीबन 9 प्लेयर सेफ लेना है, और तकरीबन आपको बता दूं कि 2 प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है। हम जनरली क्या करते हैं कि 10 प्लेयर हम सेफ लेते हैं, लेकिन 1 प्लेयर पर रिस्क लेते हैं, इस मैच में आपको 2 प्लेयर पर रिस्क लेना होगा। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वेन्यू की बात करेंगे, सेम मैच पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला गया था, 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा दोस्तों। 7 बजे मेरे हिसाब से लाइनअप आ जाएगी, टॉस हो जाएगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे, जनरली अगर देखा जाए जो पिच है काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर की पिचेस है। अब कौन सी पिच पे मैच खेला जाएगा ये हमें कंफर्म पता नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि इस पिच पे मैच अगर खेला जाएगा तो ये अगर पिच न्यूट्रल होगी तो बैट्समैन प्लस बॉलर को सपोर्ट मिलेगा, इस पिच पर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, और अगर ये पिच होगी तो इस पिच पर क्या हो सकता है कि पहले के 6 ओवर में विकेट जाएंगे लेकिन उसके बाद जो है पिच स्लो हो जाएगी, तो इस तरह से पिच पता चलती है। अब देखिए लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट के तीनों ही मैचेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। अब तीनों ही मैचेस की अगर बात करेंगे, फर्स्ट इनिंग के स्कोर की बात करेंगे तो 192 का स्कोर बना है, यहाँ पे 190+, यहाँ पे भी हम 190 का ही स्कोर पकड़ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 190 का ही स्कोर पकड़ लेते हैं। चलो तीनों ही मैचेस में हम यहाँ पे 193 है, यहाँ पे 181 है, लेकिन हम 190 पकड़ लेते हैं और तीनों ही मैचेस में 190 का स्कोर बना है फर्स्ट इनिंग का। तो फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर बनेगा 170 से लेकर 190 के बीच में बन सकता है। ऐसे में क्या बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा या फिर बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरी तरह से बैट्समैन को सपोर्ट मिला था, लेकिन ये हांगकांग का मैच था तो हम उतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 विकेट गए, यहाँ पे 7 विकेट गए और यहाँ पे देखिए 7 विकेट। देखिए 190 पे अगर 7 विकेट जाते तो हम ये जरूर कह सकते कि किसी बैट्समैन यहाँ पे 50+ का स्कोर किया है, ठीक है। अब सेकंड इनिंग की अगर बात करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हांगकांग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे श्रीलंका की तो 8 विकेट गए लेकिन यहाँ पे 184 का। यहाँ पे पाकिस्तान के 5 विकेट गए लेकिन 182 का। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि यहाँ पे बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों यह है कि यहाँ पे सेकंड इनिंग की अगर बात करेंगे तो सेकंड इनिंग में बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 4 मैच जीते, बैटिंग फर्स्ट टीम ने 1 मैच जीता है, बैटिंग सेकंड टीम ने यहाँ पे 4 मैचेस विन किए। और जो भी टीम पहले टॉस जीतेंगी वो पहले यहाँ पे बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकती है। और बात अगर करेंगे पेसर और स्पिनर की तो आप देख सकते हैं 26 विकेट जो मिले पेसर को और स्पिनर को सिर्फ 15 विकेट मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विकेट निकालेंगे वो पेसर निकाल सकते हैं। देखिए लास्ट मैच में अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ी थी तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत से मैंने कॉमेंट देखे, बहुत से लोगों यहाँ पे जो है वो यूट्यूब पे भी अर्शदीप सिंह को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह एक ऐसे बॉलर है दोस्तों जो विकेट निकाल सकते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भी जो है लास्ट ओवर उन्होंने अच्छा किया था तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर है। इस मैच में भी अर्शदीप सिंह 2 विकेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात अगर करेंगे ओवरऑल मैचेस की तो आप देख सकते हैं टोटल 81 मैचेस प्ले किए गए। 81 में से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 37, बैटिंग सेकंड टीम ने 43। ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके विन करने के चांसेस आए हैं। देखिए इस पिच पे बात करेंगे श्रीलंका का जो हाई स्कोर है 211 का स्कोर है। और मेरे हिसाब से श्रीलंका को जो है वो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया को अभी जो दोनों ही मैचेस हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ये दोनों ही मैचेस इंडिया को हाई मार्जिन से विन करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम बाहर चले जाएंगे। स्कोरिंग पैटर्न की दोस्तों बात अगर करेंगे बिलो स्कोर 150 के नीचे काफ़ी ज़्यादा बार बनाए। लेकिन लास्ट के तीनों ही मैचेस की बात करेंगे आप देख सकते हैं तीनों ही मैचेस में जो स्कोर बनाए फर्स्ट इनिंग का 190 तक बनाए। और मुझे लगता है कि इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेगी और फिर से रोहित शर्मा और केएल राहुल चलेंगे तो आपको तकरीबन 200 का भी स्कोर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हैं टीम न्यूज़ की बात करेंगे श्रीलंका अपनी टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई भी यहाँ पे मतलब चेंजेस नहीं करेंगे। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया था और सेम प्लेइंग 11 हो सकता है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की टीम में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आवेश खान है, आवेश खान बिश्नोई की जगह पे प्ले कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि इंडिया की टीम किसी स्पिनर को बिठाकर किसी पेसर को स्थान दे। दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत इन दोनों में से कोई प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक को इस मैच में प्ले करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यही से आपको जो है ध्यान देना है कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो अगर आपने 100% फोकस के साथ देख लिया तो आप स्मॉल लीग तो विन करोगे और आप ग्रैंड लीग भी विन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में इंडिया विन करेगी या फिर श्रीलंका? आप कहेंगे कि भाई इंडिया के ही विन करने के चांसेस 100% है। तो ऐसे ही मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है दोस्तों प्रोबो ऐप। और दोस्तों ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है। 10 दिन से मैं इस ऐप पे ऐप प्ले कर रहा हूँ और 10 दिन के बाद ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऐप कैसी है। देखिए इस ऐप के आपको टीम बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब 11 प्लेयर की टीम बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एस नो का आंसर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैच का क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया मैच विन करेगी या फिर श्रीलंका मैच करेंगी, तो ऑब्वियसली मैं आता है दोस्तों यहाँ पे इंडिया मैच विन करेगी। तो हमने यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है दोस्तों। उसके बाद दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि इस मैच में दिनेश कार्तिक क्या प्लेइंग 11 में हो गए? मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 में हो सकते और आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तीसरे सवाल की कि लास्ट के जो 2 ओवर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि लास्ट के अगर 2 ओवर है तो 2 ओवर में 15 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम अगर बैटिंग करेगी तो लास्ट के 2 ओवर में तकरीबन 25 रन बनेंगे। लेकिन श्रीलंका की टीम बैटिंग करेगी तो शायद 15 रन भी मुश्किल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा येस, अगर इंडिया की टीम बैटिंग करेंगी तो यहाँ पर एस करूँगा। उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल दोस्तों ये है कि अगर लास्ट के दो ओवर में यहाँ पे 1 विकेट जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली बात है दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो लास्ट के 2 ओवर में आपको 1 से लेकर 2 विकेट मिल सकते हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह लास्ट के 2 ओवर डाल सकते हैं। अब दोस्तों पाँचवा जो सवाल है कि यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा चौके कौन मारेगा, मतलब फोर कौन मारेगा? मुझे तो लगता है दोस्तों कि इस मैच में इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोर्स लगा सकती है। मतलब इंडिया जो है 25 चौके लगाएगी तो शायद श्रीलंका की टीम जो है सिर्फ 20 चौके लगा सकती है। तो दोस्तों ये जो है प्रोबो ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं 10 दिन से प्ले कर रहा हूँ, 10 दिन प्ले करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी मैं डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, मैं प्ले करने के बाद ही आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप सिंपल से यहाँ पे एस नो पे आंसर देके विन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे प्रोबो ऐप पे जा सकते हो दोस्तों, जो लिंक है प्रोबो ऐप की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में जैसे आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहली जो लिंक मिलेगी प्रोबो ऐप की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा ऐप पर पहुँच जाओगे। अब बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रवि बिश्नोई अगर नहीं खेलेंगे तो आवेश खान इनकी जगह पे खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये पांच इंपॉर्टेंट दोस्तों बॉलर होने वाले जो पूरे 4 ओवर कंप्लीट करके 20 ओवर कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज इनमें से कोई बॉलर नहीं चलता या फिर कैप्टन को लगता है यहाँ पे कि चलो हम यहाँ पे जो है दीपक हुड्डा से बॉलिंग करनी चाहिए, तो शायद दीपक हुड्डा 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद श्रीलंका की दोस्तों अगर बात करेंगे तो इनके पास जो मेन बॉलर्स है मधुशंका है, फर्नांडो है, दीक्षणा है, करुणारत्ने, डब्ल्यू हसरंगा। दोस्तों ये इनके 5 इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, लेकिन कैप्टन को लगता है कि यार ये बॉलर जो विकेट नहीं निकाल रहे तो दासुन शनाकासे से भी बॉलिंग यहाँ पे 2 ओवर कंप्लीट कराए जा सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते इंडिया का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत है। उसके बाद आपको श्रीलंका का भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि चलो स्क्रीनशॉट की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि करुणारत्ने 31 रन की पारी खेली थी, 60 रन की पारी खेल के यहाँ पे 16 रन की पारी खेली थी और 2 विकेट निकाले थे, तो स्क्रीनशॉट होगा तो आपको ये पता जरूर चलेगा दोस्तों यहाँ पे जो करुणारत्ने अच्छे फॉर्म में, साथ ही साथ अर्शदा फर्नांडो भी एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे, मतलब एक एक विकेट निकाला था वो निकाल सकते भी है दोस्तों। तो ये स्क्रीनशॉट का महत्व होता है। प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे दिनेश कार्तिक का, जो कि मैंने लिखा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट मिनट गाइस, ओके, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुशल मेंडिस को टीम में ट्राई करना चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से किसी भी विकेट कीपर को आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों करें आप, देखिए मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एशिया कप में सबसे ज़्यादा किसी टीम का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग होगा तो वो इंडिया की ही टीम है दोस्तों। ऐसे में ऋषभ पंत की अगर बात करेंगे, ऋषभ पंत किस नंबर पर आ सकते हैं अगर इंडिया की टीम में ऋषभ पंत अगर प्ले करते हैं, जस्ट मिनट, ओके, तो ऋषभ पंत 5th नंबर पे आएंगे और दिनेश कार्तिक खेलेंगे तो दिनेश कार्तिक भी 5th नंबर पे आएंगे। ऐसे में दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तब शायद ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसको बैटिंग मिलने के चांसेस तकरीबन 90% to 100% है। अगर इंडिया के पहले 2 से 3 विकेट अगर 15 ओवर में जाते हैं तो 15 ओवर के बाद जो इंडिया की टीम स्पीड पकड़ेगी और फिर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में प्लेयर आउट भी हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक दोनों में से कोई एक प्ले करेगा तो उसको बैटिंग मिलने के चांसेस है। अदरवाइज श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और 160-170 रन का टारगेट देती है 160 का, तब मुझे लगता है कि यहाँ पे रोहित शर्मा के रोल यहाँ पे बड़े शॉट खेलेंगे और एक अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली आएंगे और उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव और उसके बाद मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें 7 प्लेयर अगर लेना है तो इंडिया की तरफ से हमें बॉलर्स को भी फेवर करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुशल मेंडिस को ट्राई करेंगे। अब देखिए बैटिंग सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेना होगा और समझना होगा कि कौन से बैट्समैन को क्यों लेना चाहिए। विराट कोहली 3rd नंबर पर आएंगे, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव 4th नंबर पे आ सकते हैं, जस्ट मिनट गाइस। राजपक्ष की बात करेंगे 5th नंबर पे आ सकते हैं, के राहुल की बात करेंगे ओपन करेंगे, पीनीसन का ओपन करेंगे, गुंथली का 4th नंबर पे, असलंका की बात करेंगे 3rd नंबर पे। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा, ये दोनों अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे के राहुल की तो के राहुल ने भी लास्ट मैच में 28 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने भी लास्ट मैच में 28 रन बनाए थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस दोस्तों ये था कि रोहित शर्मा ने कम बॉल में 28 रन बनाए थे और लोकेश राहुल ने थोड़ा बॉल ज़्यादा लिया था, मतलब 5-6 बॉल जो रोहित शर्मा ने ज़्यादा लिए थे। और मेरे हिसाब से लोकेश राहुल की बात करेंगे तो इन्होंने ज़्यादा बॉल में उतने रन बनाए थे 28 रन और रोहित शर्मा ने कम बॉल में 28 रन ज़्यादा बनाए थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इनको ट्राई करेंगे। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं सूर्य कुमार यादव को ट्राई नहीं करूंगा। रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इंडिया की तरफ से जो मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो फिर मेरी टीम में रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ये 4 बैट्समैन होने चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने का डिसीजन लेती है, मतलब फर्स्ट इनिंग में इंडिया की टीम बॉलिंग करती है, तो सेकंड इनिंग में अगर इंडिया की टीम को 160 का टारगेट मिल गया, जो कि मुझे लगता है 160 से 170 का टारगेट मिल सकता है, तो ऐसे में रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली ये तकरीबन आपको 120 रन पे इंडिया के 3 विकेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसे में ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सूर्य कुमार यादव को पिक नहीं करूँगा जो कि 4th नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, मैं यहाँ पे के राहुल को पिक करूँगा। अब दोस्तों हमारे पास एक सवाल ये भी आएगा कि हमें भानुका राजपक्षा को लेना चाहिए या फिर हमें पी निशंका को लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे किसी भी बैट्समैन को टीम में ट्राई नहीं करने वाला हूँ। जब मैं आपका टीम का प्रीव्यू
दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बात अगर करेंगे श्रीलंका की, तो आप देख सकते पी निशंका, कुशल मिंडिस तकरीबन अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है। लास्ट मैच उतनी बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं दिखी, काफ़ी ज़्यादा वाइड बॉल किए थे, लेकिन इस मैच की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस मैच में जो है वो एक तो पी निशंका, कुशल मिंडिस, इन दोनों में से कोई चल सकते हैं। तो हमारे पास कुशल मिंडिस ऑलरेडी अवेलेबल है, पी निशंका को ड्रॉप करेंगे, असलंका को ड्रॉप करेंगे, गुंथलिका को ड्रॉप करेंगे, भानुका राजपक्षा को ड्रॉप करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई इतने प्लेयर्स को ड्रॉप किया तो मैच कितनी ज़्यादा मतलब रिस्की होगी, हमारी टीम भी रिस्की होगी। मैं कहूँगा रिस्की विस्की कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊँगा जब आप टीम देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि टीम कितनी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर बनी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आपको बता दूँ कि डब्ल्यू असलंका 7 नंबर पे आएंगे, हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे, करुणारत्ने 8 नंबर पे, दासुन शना का 6 नंबर पे, दीपक हुड्डा की बात करेंगे 7 नंबर पे। अब मेरे हिसाब से जो तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, डब्ल्यू असलंका, हार्दिक पांड्या, इन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं ड्रॉप करने के बारे में स्मॉल लीग में। करुणारत्ने की बात करेंगे दोस्तों तो करुणारत्ने को आपको टीम में ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। हालांकि देखा जाए करुणारत्ने 8 नंबर पे आते हैं और श्रीलंका के विकेट जाना तय है और इनको प्रमोट किया जाए 6 या 7 नंबर पे, तो यह बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट आपको दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि करुणारत्ने को आपको टीम में ट्राई करना चाहिए जो कि 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। और करुणारत्ने को अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते तो करुणारत्ने की जगह पे किसको ट्राई करना चाहिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दासुन शना का हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और मेरे हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं, किस नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है, 45 रन की एक बड़ी पारी खेल चुके हैं। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों टॉस पे कि श्रीलंका की टीम अगर टॉस जीतती है तो बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है या फिर बैटिंग, इंडिया की टीम अगर टॉस जीतेंगी तो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकती है। दोस्तों दीपक हुड्डा की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं होंगे। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और अगर रवि बिश्नोई इस मैच पे प्ले करेंगे तो रवि बिश्नोई, अदरवाइज में युजवेंद्र चहल के साथ जाने वाला हूँ। तो इंडिया की तरफ से मुझे यहाँ पे दोस्तों तीन बॉलर को लेना इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो मैं रवि बिश्नोई के साथ जाने वाला हूँ। अब हमारे पास दोस्तों ये सवाल आता है कि हमें यहाँ पे भानुका राजपक्षा को लेना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे जो है वो थिक्षणा को लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको टीम का प्रीव्यू दिखाऊंगा, तब आपके मन में सवाल जो आएगा उसका आंसर मैं दूंगा। फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पे थिक्षणा को ट्राई करूंगा। अब ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स की अगर बात करेंगे, बॉलिंग के बॉलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से बॉलर्स को लेना चाहिए। ओपनिंग बॉलर्स की बात अगर करेंगे, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह दोनों ही हमारी टीम में होने चाहिए। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह ये दोनों जो है वो डेथ में बॉलिंग करेंगे तो ये भी दोस्तों हमारी टीम में होने वाले। श्रीलंका की बात करेंगे, थिक्षणा को अपनी टीम में ट्राई किया और किसी भी यहाँ पे बॉलर को ट्राई नहीं किया है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हर किसी की टीम में आपको एक प्लेयर अलग दिखने वाला है स्मॉल लीग की टीम में और वही प्लेयर आपको आज की टीम में स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करा सकते हैं। ग्रैंडली के प्लेयर्स की बात करेंगे, अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो इनको टीम में ट्राई करना है और दिनेश कार्तिक खेलेंगे तो इनको टीम में ट्राई करना है। अगर इंडिया की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक दोनों में से किसी को ड्रॉप ट्राई करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा क्योंकि इंडिया की टीम को टारगेट कम मिलेगा। तो शायद इंडिया की टीम के जो बैट्समैन हैं, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, के एल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये चारों ही जो है वो स्कोर कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ दोनों में से कोई प्ले करेगा तो दोनों में से कोई एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकता है। गुंथलिका की बात करेंगे तो इनको ट्राई करना है, असलंका को भी आपको ट्राई करना है, शनाका को भी ट्राई करना है। दीपक हुड्डा के बारे में कहूंगा कि ये काफी ज्यादा रिस्की हो गए, बैटिंग मिलेगी तो स्कोर करेंगे, अदरवाइज बॉलिंग मिलेगी तो विकेट निकाल सकते, लेकिन रिस्की प्लेयर हो गए। मैं इन पे सिर्फ और सिर्फ 10% ट्रस्ट करता हूँ दीपक हुड्डा पे। अगर बैटिंग मिलेगी तब ट्रस्ट 100% है कि ये स्कोर करेंगे, बॉलिंग मिलेगी तो विकेट निकाल सकते हैं। और उसके बाद युजवेंद्र चहल की बात करेंगे, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, मधुशंका को टीम में ट्राई कर सकते हैं, आशीष फर्नांडो को आप टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 प्लेयर ऐसे हो गए जिसमें से 2 से 3 प्लेयर आपको मेगा लीग के 100% टीम में देखेंगे, लेकिन मेगा लीग की टीम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका के प्लेयर देखेंगे। जैसे कि हमने श्रीलंका के 4 प्लेयर लिए हैं मेगा लीग में, तो गुंथलिका को आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दासुन शनाका को ट्राई करना है और यहाँ पे देखा जाए तो आशीष फर्नांडो, ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेगा लीग की टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात अगर करेंगे तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, के राहुल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले हैं स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंडली की बात करेंगे, कुशल मिंडिस वाइस कैप्टन बना सकते हैं, डब्ल्यू असलंका को कैप्टन, ऋषभ पंत अगर प्ले करेंगे या फिर दिनेश कार्तिक तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि अगर बैटिंग मिली तो बैटिंग से तो पॉइंट देंगे, साथ ही साथ अगर इन्होंने 3 कैच भी पकड़ लिए तो 24 पॉइंट कैचेस के देंगे 8 के हिसाब से, और साथ ही साथ अगर इन्होंने 25 रन भी बना दिए तो ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार को कैप्टन, रवि बिश्नोई अगर प्ले करेंगे तो वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का डिसीजन दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है
कि विराट कोहली थर्ड नंबर पे आएंगे और विराट कोहली का फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, तीनों ही मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया। तो इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो विराट कोहली को कैप्टन, इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो हार्दिक पांडे को कैप्टन। क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांडे की बात अगर करेंगे तो फिफ्थ नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे मेरे हिसाब से, और अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिला, लास्ट मैच जीरो पे आउट हुए थे, इसका मतलब ये नहीं इस मैच में भी जीरो पे आउट हो गए, तो ये बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे, विराट कोहली मेरे वाइस कैप्टन होने वाले हैं। दोस्तों टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, इस तरह से हमारी टीम का प्रीव्यू बना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये किस तरह से टीम बनाई है, अब बता देता हूँ किस तरह से टीम बनाई है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यहाँ पे देखा जाए एक दो और तीन नंबर के बैट्समैन लिए, लेकिन ये बैट्समैन कब इंपॉर्टेंट हो गए, जब इंडिया की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, मतलब इंडिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग की, तो ये हमारी टीम चलने के चांसेस दोस्तों 90% to 100% है। लेकिन इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो फिर यहाँ पे मैं ये भी सोच सकता हूँ कि चलो मान लीजिए कि रवि बिश्नोई को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो है वो सूर्य कुमार यादव को पिक कर सकते हैं। तो ये हमारी टीम का प्रीव्यू होने वाला है। आप कहेंगे कि भाई इस तरह से टीम तो हमने देखी नहीं, ये अलग टीम बन रही है, तो दोस्तों ये टीम इसलिए अलग बन रही है क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक दो तीन और ये चार नंबर के बैट्समैन तकरीबन आपको 130 या 140 रन पे आपको चार विकेट देखने को मिलेगी अगर बैट्समैन को सपोर्ट करती है पिच, तो अदरवाइज इंडिया की टीम अगर बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके हम यहाँ पे रवि बिश्नोई या फिर आवेश खान खेलेंगे, तो आवेश खान को भी हम टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा कि हमें यहाँ पे थिक्षणा को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर इंडिया को 160 का टारगेट मिला और अगर इंडिया की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ पे रोहित शर्मा और लोकेश राहुल और विराट कोहली ये तकरीबन 130 या 120 रन तक पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे किसी बॉलर को लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हो सकता है बॉलर को विकेट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि थिक्षणा यहाँ पे जो है वो किसी एक को इसमें से आउट कर दे, ठीक है, तो एक विकेट भी अगर दोस्तों गया तो भी थिक्षणा इंपॉर्टेंट हो गए। तो इस तरह से हमने स्मॉल लीग की टीम बनाई है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं। फाइनल टीम आपको कहां पे मिलेगी दोस्तों, फाइनल टीम मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के लिंक दोस्तों कमेंट सेक्शन में दी है, कमेंट पे जाइए, फर्स्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।